हम क्षेत्रफल जिसमें वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, इन सभी का क्षेत्रफल निकालना, उसका परिमाप निकालेंगे, कैसे उसका कैसे विकर्ण निकलता है, उसके फॉर्मूला को देखेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन करेगा, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि कैसे निकाला जाता है। देखिए क्षेत्रफल, पहले वर्ग का जानेंगे। देखिए ये रहा आपका वर्ग। देखिए सबसे पहले वर्ग कहते किसको, देखिए चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा चारों कोण समकोण हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो फोर साइडेड बाउंडेड फिगर जो इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है, इसकी हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये रहा स्क्वायर, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा, ये भुजा, चार भुजा है और सारे भुजाएं क्या है, समान है। देखिए सबका डिस्टेंस भी समान है, ठीक है, और चारों एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, तो उसे क्या कहते हैं, हम वर्ग कहते हैं। देखिए तो वर्ग कहते हैं, उसके बाद देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, ये भुजा और ये भुजा दोनों का भुजा गुने भुजा कर सकते हैं, भुजा का स्क्वायर, ठीक है, इंग्लिश वाले साइड का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, साइड स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल। फिर वर्ग का विकर्ण बराबर, अगर डायगोनल निकालने के लिए तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या करेंगे, रूट टू गुने भुजा, ठीक है, इस पर हम क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें एक्सप्लेन होगी अच्छे से, ठीक है, अभी फिलहाल इसको याद रखने के लिए इसे कर लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए। फिर होता है वर्ग का परिमाप, परिमाप मतलब होता है पूरा माप, मान लीजिए ये बोर्ड है, इस बोर्ड का पूरा माप लेंगे तो यहां से लेकर यहां 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 सभी का समान माप लेंगे सबका, तो वही इसका परिमाप हो जाता है, ठीक है, तो वर्ग का परिमाप मतलब चारों साइड का परिमाप, यानी कि चार गुने भुजा, तो ये हो गया वर्ग का परिमाप, ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ग जिससे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यहाँ एक नोट लिखे हैं कि अगर मान लीजिए आपको डायगोनल दिया हुआ रहेगा, सपोज कि ये आपका एक वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग की मान लीजिए वर्ग है, ठीक है, आपका डायगोनल यहाँ पर दे दीजिएगा दो, तो आपसे पूछे कि आपको साइड बताना है ए बी सी डी, ठीक है, तो आपको ये साइड बताना है, साइड तो इक्वल ही होता है, कोई एक साइड बताना है, तो डायरेक्ट आपको क्षेत्रफल इस फॉर्मूला में निकाल सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, एक वटा दो गुने विकर्ण कर सकते हैं, तो आपका ये आंसर हो जाएगा एक वटा दो गुने का विकर्ण दिया है यानी कि दो, तो दो इंटू एक क्या हो जाएगा, दो बटा में दो कट जाएगा एक, तो आपका एक साइड क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो चलिए इस वर्ग पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं दो तीन, ताकि आपको आसानी हो, ठीक है, तो चलिए दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं क्षेत्रफल पे, परिमाप पे, विकर्ण पे, जो वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 1764 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप याद करना है, देख लीजिए ये मान लीजिए एक वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 1764, तो आपको बताए थे कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा गुने भुजा, ठीक है, बताया था, तो देख लीजिए तो भुजा का स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर बराबर क्या होगा, भुजा स्क्वायर बराबर आपका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 1764, ठीक है, तो जब ये स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, ठीक है, सिर्फ भुजा यहाँ लिखेंगे तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा 1764, और 1764 का रूट कितना होता है 42, ठीक है, तो आपका एक साइड तो निकल के 42, तो ऑब्वियसली बात है ये भी साइड 42, ये भी साइड 42, ये भी साइड 42, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के सभी साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, तो ये भी 42 हो गया, तो अब क्या बोला है कि इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, चार गुने भुजा, परिमाप यानी कि पूरा माप, ठीक है, तो यह हो जाएगा चार, और भुजा कितना है, एक साइड का दो, 42, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना होगा, चार गुना आठ और चार चौके 16, 168 वर्ग मीटर, ठीक है, ये आपका परिमाप निकल गया, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा क्या होगा, जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना हो, ठीक है, मतलब पहले वर्ग का जो विकर्ण होगा, मतलब ये हो गया आपका
स्क्वायर में है, ये हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है। इसमें बोला क्या है कि उन दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण यानी कि ये विकर्ण, ठीक है, विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना, ठीक है। तो मान लीजिए पहला वर्ग का विकर्ण क्या हो गया 2d और दूसरे वर्ग का विकर्ण d, क्योंकि दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगना है पहला, तो ठीक है, तो ये हो गया। तो उसका क्षेत्रफलों का अनुपात बताना, ठीक है। तो वर्ग के क्षेत्रफल, क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया, तो वर्ग के क्षेत्रफल एक और बताया था आपको नोट में याद होना चाहिए कि 1/2 विकर्णों का स्क्वायर, विकर्णों का स्क्वायर, ठीक है, ये भी बताए थे। तो इस पर कैसा बनेगा देख लीजिए, ये 2d है और ये d है, ठीक है। तो पहला वाला ये भी स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर और ये सेकंड वाला स्क्वायर का, ठीक है। तो पहले वाला स्क्वायर क्या होगा 1/2 2d का स्क्वायर अनुपात, अनुपात ही पूछा है ना, दूसरे वाले का वर्ग विकर्ण का अनुपात, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/2, तो ये से ये खत्म हो गया आपका। तो 2d² यानी कि 4d² / 2d², ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4:1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, वर्ग का क्षेत्रफल ऐसे भी निकाला जा सकता है, अगर देख चेक करना तो चेक भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक हम स्क्वायर ले लिए, ठीक है, और इसकी एक साइड हम 4 ले लिए, ठीक है, सब साइड से बराबर ही होता है, ठीक है। तो मान लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है साइड स्क्वायर, जो कि आपको पता है अभी भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर कितना, यहाँ पर देखिए इससे क्षेत्रफल कितना आया 16, 4 का स्क्वायर 16 होगा ना, 4 का 16। अब इस पर भी निकाले तो सेम ही आंसर आएगा, देखो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या बताए थे 1/2, ठीक है, और डायगोनल मतलब विकर्ण, इसका विकर्ण निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 का 16 + 16 = 32 हो जाएगा, ये एच हो जाएगा यहाँ पर, ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, पाइथागोरस का नियम, ठीक है, 16 16 32, ये √32 में ही आ जाएगा आपका डायगोनल 1। तो 1/2 और √32 का स्क्वायर, तो 32 √32 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 32/2, ये हो गया आपका 16। तो दोनों से ही उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि अगर कहीं आपको डायगोनल दिया हो तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपको साइड दिया हो तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए इस पर जितने भी बेस पर क्वेश्चन बनेंगे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आयत की तरफ चलते हैं, ठीक है, चलिए। हाँ तो देखिए ये है आयत, सबसे पहले जानेंगे आयत कहते हैं किसको। आयत जिसे कहते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समान है, आमने सामने की भुजा यानी कि आमने सामने की भुजा समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, ठीक है। और इसके अंतःकोण जो होता है वो 90° का होता है, ठीक है। सब अंतःकोणों का ये कोण और ये कोण और ये कोण कितना होता है 90° का होता है, ठीक। तो ये है आपका आयत। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बड़ा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये आपका हो गया लंबाई लेंथ और ये हो गया चौड़ाई ब्रेथ, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको लंबाई दिया है, ठीक है, अगर लंबाई दिया हो और क्षेत्रफल दिया हो तो चौड़ाई निकल जाएगा, तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या बोलेंगे, चौड़ाई निकलेगा कैसे, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटा में लंबाई, ठीक है, लंबाई। सेम वैसा ही अगर आपको चौड़ाई दिया हो तो आप लंबाई निकाल लेंगे, और चौड़ाई दिया हो तो लंबाई निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्षेत्रफल निकालने का हो गया। तो आयत का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पूरा माप आयत का, तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई 2 × L + b, ये होता है आयत का परिमाप। आयत से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, रेलवे, SSC, MTS, NDA, सभी एग्जामों में इससे क्वेश्चन बनते हैं, क्षेत्रफल वाले तो अक्सर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए दिया है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः दिया है 40 मीटर तथा 30 मीटर है, ठीक है। तो भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है तथा इसके विकर्णों की लंबाई ज्ञात करें, ठीक। तो मान लीजिए देखिए ये है आपका एक आयताकार, क्या लिखा है, भूखंड, ये आयताकार भूखंड है, ठीक है, यह है, चलिए।
और इसका क्या बोला है कि लंबाई तथा चौड़ाई, यानी कि लंबाई कितना दिया है 40 मीटर और चौड़ाई दे दिया है आपका 30 मीटर, ठीक है, ये लंबाई और चौड़ाई दे दिया है। फिर पूछा है कि भूखंड का क्षेत्रफल बताना है, मान लीजिए ये अताकार के नाम देते हैं ए बी सी डी, ठीक है, तो बताना है कि आयत भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या बताया था आपको, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या था, लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने बी था, ठीक है। तो एल कितना दिया है, लेंथ तो नहीं दिया है, कितना 40 गुने बी 30, यानी कितना हो जाएगा 1200, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि भूखंड का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्णों की लंबाई, और विकर्ण का लंबाई बताना है, ये आपको देखिए ये हो गया आपका विकर्ण, ठीक है, तो इसका लंबाई बताना है, ठीक, तो निकाल लेते हैं विकर्ण की लंबाई, ठीक है, विकर्ण की लंबाई क्या होगी, पाइथागोरस लगाएंगे ये निकल जाएगा, ठीक है, ये 40 से 30 है तो ये निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा AC बराबर, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे तो आपको याद होगा कि होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है पाइथागोरस। इसको बना लेंगे तो देखिए AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है, तो 40 का स्क्वायर यानी कि 1600, 40 काटेगा 16 प्लस 30 का स्क्वायर 3 9 900, ठीक, तो 16 9 कितना हो जाएगा आपका 2500, ठीक है, तो 2500 किसका स्क्वायर होता है, 50 का स्क्वायर कितना होता है 0 0 0 50 25, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 50 मीटर, ये भी मीटर में है ना, मीटर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए, एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 252 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया है 9:7, तो ये एक आयत है, ठीक है, जिसका लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात ये मान लीजिए 9x हो गया और ये 7x हो गया, तो इसका नाम दे दीजिए A B C और D, ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल दिया है और उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 9:7, तो इसकी परिमिति बताना है, परिमाप निकालना है, ठीक है, तो पहले क्षेत्र आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, L × B, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, तो लंबाई गुने चौड़ाई कितना दिया है, अनुपात 9:7, तो क्षेत्रफल कितना दिया 252, यानी कि 252 बराबर 9x × 7x, ठीक है, तो ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 9 × 7 = 63x² बराबर आपका हो जाएगा 252, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 252/63, इसको डिवाइड की तो कितना बार कटेगा, 4 4 12 4 6 24 25 कट जाएगा 4 times में, तो x² = 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा √4, तो एक रूट फोर का वैल्यू कितना होता है, x = 2 आ गया, जब x = 2 आ गया तो आपका 9x माने थे और ये 7x माने, तो लंबाई कितना हो जाएगा 9 × 2 = 18 और ये आपका हो जाएगा 7 × 2 = 14, तो ये आपका L हो गया और ये आपका B, लंबाई चौड़ाई निकल गया, ठीक है, तो परिमाप निकालना है, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × L + B, ठीक है, तो 2 और L कितना है, लेंथ कितना आया है 48 और इसका लंबाई कितना है 18 और चौड़ाई 14, इसको जोड़ दीजिए तो 8 4 12, 1 2 1 3 32 × 2, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 64, ये आपका क्षेत्रफल हो गया आयत का, ये परिमिति निकल गया, ठीक, चलिए ठीक।
आज के लिए इतना है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।